उधम सिंह नगर पुलिस की मुहिम देखने को मिली है। आपको बता दें, सीओ तपेश कुमार ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से संवाददाता रामराज शर्मा के साथ। चलो बढ़िया है, पूरे स्टेट से ही बहुत बढ़िया है सर। इसमें ये 30 बच्चे आए थे 20 दिन पहले, वो 20 दिन से इनकी प्रैक्टिस चल रही थी, परसों इनका ट्रायल हुआ है। इसमें टिहरी के भी थे और उत्तरकाशी के भी थे, सब हर जगह के थे इसमें। लास्ट में ये बच्चे, बाकी चले गए। मतलब अभी कोई टूर्नामेंट फिक्स हुआ है? जी हाँ सर, 27 से है झारखंड में बुका। तो सर सारी ऑल ओवर इंडिया की टीमें आएंगी और उसके बाद फिर ये। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे आप लोग, कौन से? मेरे ख्याल से 10th 11th से स्टूडेंट लगे, 12th में भी है। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, तो बहुत अच्छा है। कबड्डी में तो कबड्डी में तो बहुत अच्छा स्कोप है आजकल, प्रो कबड्डी लीग, इतने सारे इंडिया कैंप के लिए भी हो जाता है। हाँ मतलब आप में से जो अच्छे हैं स्पोर्ट्स में ना, खुल करके स्पोर्ट्स करिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में अच्छा करता है। हम तो इतने सारा रगड़ा हमारा ये करके हमारा मिला, कई बार जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं उनको DSP डिप्टी कलेक्टर ऐसे बना देते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है, और कबड्डी में तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि बहुत सारी प्रोफेशनल लीग्स भी शुरू हो गई है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो बहुत अच्छा है, अपना वो करिए और मतलब स्पोर्ट्स का साथ हमेशा साथ रखिएगा, है ना। आप हो सकता है कुछ लोग आप कुछ और डायरेक्शन भी लो, हो सकता है ना, तो लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा एक वो करिएगा कि स्पोर्ट्स खेलते रहें, ना फिजिकल एक्टिविटी रहती है तो काफ़ी अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, सब के लिए ना। ठीक है, और कुछ कहना आप मुझसे बताइए सर को। थैंक्स बोलो।